हेलो फ्रेंड्स, बरनाला फूड की तरफ से 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त के त्यौहार पर हमने ये रेसिपी बनाई है, आप भी ज़रूर इसी तरह से बनाकर देख लीजिएगा। इसके लिए हमने पहले शुगर सिरप तैयार कर लिया है, आधी कटोरी हमने चीनी की ले ली है और आधी कटोरी ही इसमें पानी की डालेंगे और इसको मेल्ट करेंगे चीनी को। कोई इसकी एक तार दो तार की चाशनी नहीं तैयार करनी हमने, चीनी घुल जाए बस इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे विप क्रीम, फ्रीजर से हमने पहले निकाल कर रख दी है और विपिंग मशीन से हम इसे डिप करेंगे। थोड़ा रोक रोक के करेंगे, नीचे हम थोड़ा ठंडा पानी भी इसके रखेंगे तो ये जल्दी हो जाती है। वैसे इसको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। अगर आपके पास ये विप क्रीम मशीन ना हो तो आप हैंड ब्लेंडर वगैरह से भी कर सकते हैं, टाइम लग जाता है। ये क्रीम हमारी तैयार हो गई है और हम दो कटोरियों में इसे निकाल लेंगे। एक में हम केसरिया कलर बनाएंगे और एक में हम ग्रीन कलर तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा रेड कलर मिलाएंगे येलो के बीच। देखिए केसरिया कलर है हमारा तैयार हो गया है और ग्रीन कलर भी रेडी हो गया है। अब हम लेंगे ब्रेड के स्लाइस को हम साइड से निकाल देंगे और बीच में से कट कर लेंगे। एक स्लाइस के दो पीस कर लेंगे और ट्रे ले ली है हमने, उसमें थोड़ी विप क्रीम लगाकर उस पर ये ब्रेड के पीस सेट करेंगे। पीस लगा लिया है, उस पर हम थोड़ा शुगर सिरप लगाएंगे और उस पर कलर लगाएंगे, जो हमने कलर वाली क्रीम तैयार की है। पहले ग्रीन कलर लगाएंगे, इसके ऊपर फिर पीस लगाएंगे, फिर शुगर सिरप लगाएंगे, फिर उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। ऐसे रिपीट रिपीट, तीन पीस ले लो, चार पीस ले लो, अपनी मर्जी है, जितना ऊंचा बनाना हो बना सकते हैं। फिर सेकंड स्टिप्स तैयार करेंगे हम, उसके लिए हमने वाइट क्रीम रखी है, उसको ऐसे वाइट क्रीम से डेकोरेट करेंगे। देखिए एक लेयर ग्रीन की हो गई है, एक वाइट की हो गई है। ऐसे ही शुगर सिरप ऊपर क्रीम लगाएंगे, देखिए। और थर्ड लेयर है जो ऑरेंज कलर की लगाएंगे। ऐसे ही पीस ले लिया है, उस पर शुगर सिरप, उस पर फिर ये क्रीम लगाएंगे। हमारा जो तिरंगा है बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए। तिरंगा हमारे देश की शान है, इसको बरकरार रखने के लिए हम सभी इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं।